अस्सलामु अलैकुम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं बिलाल। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार जो है दाल के पराठे बनाऊंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ दाल के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे बनाए जाएंगे। दाल के पराठे बनाने के लिए ये मैंने मूंग और मसरों की जो दाल ली है, तकरीबन ये दोनों एक पाव है, तो इससे हम जो है पराठे बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो इसको हम जो है वो थोड़ी देर के लिए भगो देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम पानी डालेंगे, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे जिसमें हमारी दाल जो है वो भी अच्छे से गल जाए और दाल जो है हमारी पतली होनी चाहिए। तो अब हम बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पानी को जो बॉयल आ गया है, तो अब हम इसके अंदर जो है ये दाल डाल देंगे। तो ये तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए भिगो के रखी हुई थी, तो इसको अच्छे से हम धोएंगे और इस तरह से हम इसको अब डाल देंगे। इसी के साथ हम प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने जो है दो लिए हैं, छोटे साइज़ के थे। तो एक टमाटर डालेंगे, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, और इसी के साथ हम इसमें जो है रेड मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच ये डाल रही हूँ, और 1 चम्मच ही हम इसमें जो है नमक का डालेंगे, और 1 चम्मच जो है वो हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जो है वो हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें जो है लाल दड़ा मिर्च डाल रही हूँ। तो अब हम इसका पकने का इंतज़ार करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम इसको उतारते हैं और इसको तड़का लगाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तड़का लगाने के लिए हम पैन के अंदर सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो ये आधा कप मैं ऑयल ले रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर जो है वो ज़ीरा डाल देते हैं। तो मैं ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी, तो इसको हम जो है 2 मिनट के लिए इसको ब्राउन करेंगे। तो अब हम इसको जो है दाल के अंदर डाल देते हैं। आप जो तड़का जब लगाएं तो हल्की आग पे लगाया करें ताकि ज़ीरा जो है हमारा जल ना जाए। तो इसी के साथ हम इसमें जो है सब्ज़ धनिया डाल देते हैं, और ये थोड़ी सी जो है ये हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, और अब हम इसको जो है ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखा आपने, मैंने माशाल्लाह से जो दाल है इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है। तो अब हम इससे जो है आटा गूंदते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आटा गूंदना शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल जो है गंदम का आटा है, हमारा तो घर की गंदम होती है, तो इसके साथ इस तरह से हम डालते जाएंगे और अच्छे से जो है मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से सारा हम दाल के साथ ही आटा गूंदेंगे। अगर आपकी दाल कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, आप दाल में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो ये देखें, जिस तरह से हम आम आटा गूंदते हैं, इसी तरह हम इस आटे को भी गूंदेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से हम आटे को जो गूंद लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से मैंने आटे की बहुत अच्छी जो है डो तैयार कर ली है। तो अब हम जल्दी से जो है पराठे बनाते हैं। तो पराठा बनाने के लिए ये देखिए मैं आटा ले रही हूँ और इसका खूबसूरत सा पेड़ा बनाते हैं। तो अब पेड़े को जो है वो हम खुशक आटा लगा के इसको बेल लेते हैं, और बहुत ही मज़ेदार जो है हमारे पराठे बनेंगे इंशाल्लाह। तो रोटी बेलने के बाद हम इसके ऊपर जो है ऑयल लगा देते हैं, तकरीबन 2 चम्मच इसके साथ हम इसको सेट करते हैं चम्मच के साथ। तो अब हम इस तरह इसको करते हैं। आप किसी भी शेप का जो है पराठा बना सकते हैं, तो मैं आज इस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से। अब हम इसकी दोबारा से रोटी बनाते हैं, खुशक आटा लगा लें और इसको बेल लें।
हम तवे के ऊपर ऑयल लगाते हैं और प्यारा सा जो पराठा है हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार जो ये पराठे बनते हैं और बहुत ही आसान। अब हम इसकी जो है साइड चेंज कर देते हैं। तो हम बार बार इसकी जो साइड चेंज करते रहेंगे ताकि हमारा पराठा जो है ये जले नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा माशाल्लाह से हमारा कितना मज़ेदार जो है पराठा तैयार हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर जो मक्खन रखेंगे, ये मेरे घर का मक्खन है, मैंने खुद बनाया है। तो इसी के साथ जो हम चाय, और बहुत ही मज़ेदार पराठा है, आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें, नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।